फ्री सब्सक्राइब कीजिए टेक टू बूम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, वीवो ने अपना नया फ्लैगशिप लेवल का एक स्मार्टफोन लॉन्च करा है, वीवो नेक्स। ये फोन हाई एंड स्पेसिफिकेशन के साथ में हाई एंड प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च करा गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको इस फोन की स्पेसिफिकेशंस क्या है, इस फोन के अंदर ऐसी खास बात जो वीवो ने अपने इस फोन के अंदर दी है, और साथ ही मैं बताऊंगा अपना ओपिनियन इस फोन के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फहाद, आप देख रहे हैं टेक टू बूम। तो चलिए आगाज करते हैं। दोस्तों, वीवो ने अपना ये स्मार्टफोन लॉन्च करा है, वीवो नेक्स। ये फ्लैगशिप लेवल कैटेगरी का फोन है, यानी कि इसकी जो कीमत रखी है वीवो ने, वो रखी है 45,990, यानी कि ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज का ही रेंज का ये स्मार्टफोन लॉन्च करा है वीवो ने। तो सबसे पहले मैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ कि इस फोन के अंदर जो दिया गया है प्रोसेसर, वो दिया गया है लेटेस्ट इस फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 845 CPU, और साथ में दी गई है इसमें 8 GB की रैम, और इसमें दो वेरिएंट दिए गए हैं 128 GB और 256 GB इंटरनल मेमोरी के साथ में। डुअल सिम VoLTE 4G रहेगा ये फोन, और इसका जो डिस्प्ले साइज है वो रहेगा 6.59 इंच का फुल HD IPS AMOLED डिस्प्ले, और इसमें जो प्राइमरी कैमरा होगा यानी कि रियर कैमरा, वो रहेगा 12 MP प्लस 5 MP का डुअल कैमराज, जो कि 12 MP का जो कैमरा है उसकी जो एपर्चर है वो है 1.9, और इसका जो दूसरा कैमरा है सेकेंडरी जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए, वो रहेगा 5 MP का, और साथ में फ्लैश ऑफ कोर्स LED दिया गया है, और साथ में उसके अंदर होगा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और उसका जो फ्रंट कैमरा है वो दिया गया है 8 MP का, जिसका एपर्चर होगा F2.0, और सामने कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, और साथ में इसमें दी गई है फास्ट चार्जिंग 4000 mAh की बैटरी के साथ में। और इसमें जो खास बात है वो है कि इसके अंदर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, यानी कि इसका जो डिस्प्ले है उसी के अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। साथ में इसमें मिलेगी हमें एंड्रॉइड का लेटेस्ट ओरी ऑपरेटिंग सिस्टम वीवो के कस्टमाइजेशन के साथ में। तो दोस्तों, इसकी जो खास बात है फोन की, इसमें एक तो एच टू एच डिस्प्ले दिया गया है, बॉर्डरलेस डिजाइन है ओवरऑल, जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, और दूसरी चीज जो इसकी खास बात है वो है इसका फ्लिप अप कैमरा, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। इसका कैमरा जो है सेल्फी कैमरा जो है बेसिकली वो दिया गया है पॉप आउट दिया गया है, यानी कि जैसे ही आप कैमरे की ऐप को ट्रिगर करते हैं तो फौरन वो विदिन 1 सेकंड वो पॉप अप होके निकल आता है फ्रंट कैमरा, और आप फिर उससे आराम से सेल्फीज ले सकते हैं, और दोबारा आप जैसे ही कैमरे की ऐप को बंद करते हैं वो कैमरा वापस अंदर चला जाता है, और जो रियर कैमरा है वो नॉर्मल कैमरा उसकी तरह पीछे दिया गया है। तो ये थोड़ा सा एक हाईलाइट अलग सा एक फीचर दिया गया है, जैसे कि हमने देखा ओप्पो का जो फोन आया है ओप्पो फाइंड एक्स, तो उसके अंदर भी ऐसे स्लाइड आउट होके उसका एक पोर्शन बीच में से निकल आता है, और उसके अंदर जो रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरा है वो स्लाइड आउट पोर्शन के अंदर दिए गए हैं। तो उसी की तरह थोड़ा सा एक ये भी वीवो ने कॉपी ली है, जैसे कि इसका फ्रंट कैमरा इसमें पॉप अप होकर ऊपर निकल आता है। इसकी ओवरऑल एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो तो रियल लाइफ सिनेरियो में अदर फोन्स के साथ कंपेयर करने में और ओवरऑल उसका रिव्यू करने में ही पता चल पाएगी, और प्रोबेबली शायद मैं रिव्यू ना कर पाऊं, क्योंकि मुझे तो रिव्यू अभी तो वीवो नहीं देने वाली, और इतना आसान नहीं है कि मैं 45,000 का फौरन जाके फोन ले लूं। तो प्रोबेबली अगर मुझे मिल जाता है किसी कैसे भी करके तो मैं कोशिश करूंगा पूरी इसको रिव्यू करने की, लेकिन मैं बता दूं फिलहाल इसके अलावा अपना ओपिनियन इसके फोन के बारे में। तो फोन की स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए जो उसका जो प्राइस पॉइंट दिया गया है वो 45,000 रुपए का प्राइस पॉइंट ठीक ठाक है, 40,000 का रहता थोड़ा और अच्छा रहता, लेकिन 45,000 का भी ओवर प्राइस नहीं है। जिस तरह से ओप्पो का जो फाइंड एक्स फोन है वो कुछ ज्यादा ही ओवर प्राइस कर दिया गया, 60,000 रुपए की रेंज के अंदर वो उन्होंने लॉन्च करा है। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए इसके जो कैमरा है वो थोड़ा सा पिक्सल डेंसिटी हम देखें, जैसे कि वीवो अक्सर देता है हाई पिक्सल डेंसिटी 20+ MP में देता है, 24 MP, 21 MP, 22 MP तक के रिजोल्यूशन में। तो उसमें जो रियर कैमरा दिया गया है और इवन फ्रंट कैमरा, उनकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो काफी कम दी गई है, जैसे रियर कैमरा 12 MP का है जो प्राइमरी है, और फ्रंट कैमरा 8 MP का है। तो ये एटलीस्ट वीवो को थोड़ा अच्छा और कैमरा जो पिक्सल डेंसिटी है वो और अच्छी देनी चाहिए थी इस प्राइस रेंज के अंदर, क्योंकि जो वीवो के 25,000 रुपए तक के जो प्राइस रेट के फोन है उनके अंदर 24 MP तक के कैमरे दिए गए हैं। इस प्राइस रेंज के अंदर ये चीज वीवो ने थोड़ी कम दी है कैमरा के बारे में अगर बात करें, बाकी ओवरऑल CPU इंटरनल स्टोरेज बाकी मेमोरी रैम वगैरह सारी चीजें अच्छी दी गई है, बैटरी भी अच्छी दी गई है फास्ट चार्जिंग के साथ में, ओवरऑल डिजाइन भी काफी अच्छा दिया गया है। तो इसकी अगर कीमत देखी जाए इस प्राइस पॉइंट के अंदर तो ठीक ठाक है, बस कैमरे की दिक्कत है, पिक्सल डेंसिटी थोड़ी कम है, लेकिन अगर ओवरऑल
12 मेगापिक्सल और फ्रंट के 8 मेगापिक्सल के साथ में भी अगर कैमरा इसका अच्छी फोटोज ले पाता है, ले लेता है अगर, तो फिर कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और अगर 40,000 रुपीज से थोड़ा और बिलो कर दे, 40,000 या 37,000-38,000 तक, तो उसका प्राइस पॉइंट जो है मेरे नजरिए में अच्छा रहेगा। वेल गाइस, ये था मेरा ओपिनियन इस फोन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे जल्दी से लाइक बटन दबा के लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, और अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से रेड सब्सक्राइब बटन हिट करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ढेर और टेक्निकल वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के अंदर। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।